प्रदेश में भांग की खेती को सरकार वैध करने जा रही है। बीते बजट सत्र में भांग की खेती को लीगल करने का मुद्दा सदन में उठा था, जिसके बाद सरकार ने पक्ष और विपक्ष के विधायकों की राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी, जिसने राज्य के सभी जिलों का दौरा कर पंचायत स्तर से जनप्रतिनिधियों के सुझाव लिए और तीन राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर का दौरा कर भांग की खेती को औषधीय और औद्योगिक रूप में अपनाने की बारीकियों की जानकारी ली। आज कमेटी के सचिवालय में बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि कमेटी सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी और हिमाचल में भांग की खेती को औषधि और उद्योग के रूप में अपने का सुझाव देगी। जगत सिंह नेगी ने कहा कि भांग की खेती को हिमाचल प्रदेश में लीगल करने से सरकार की आय में वृद्धि होगी और कानून में भी इसका प्रावधान है। इसके अलावा आज राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने पोंग विस्थापितों को लेकर भी सचिवालय में एक बैठक की, जिसमें पोंग विस्थापितों के पुनर्विस्थापन को लेकर सरकार राजस्थान सरकार से मसला उठाएगी ताकि विस्थापितों को उनका अधिकार शीघ्र मिल सके। लगभग 16,000 लोग पोंग विस्थापित हैं, जिनमें से 8,000 लोगों को पुनर्विस्थापित कर दिया गया है। आने का मसला सरकार सुलझाने का प्रयास कर रही है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा बुलाए गए मानसून के विशेष सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन लाने के प्रस्ताव को लेकर जगत सिंह नेगी ने कहा कि लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है, ऐसे में भाजपा असल मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए इस तरह की जुमलेबाजी कर रही है। भारत पहले से ही एक देश है, इस तरह के मुद्दों को उठाकर भाजपा राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रही है। कैनबिस को लेकर जो कमेटी विधानसभा सत्र में माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, उस कमेटी में मेरे माननीय सदस्य यहाँ पर सुंदर ठाकुर जी है, अब केवल पठानिया है और अन्य लोग थे, तो आज उसकी एक अहम बैठक हुई हमारी। और इस बैठक से पहले हमने पूरे प्रदेश का ज्यादातर हमारे जो जिले हैं इसमें वहाँ के हमारे जितने भी पंचायती राज संस्थाओं से चुने हुए हमारे प्रतिनिधि हैं उनके साथ व्यापक हमारा विचार विमर्श हुआ। सबकी राय जानने के बाद और जो इसके लिए जो केंद्र का कानून है उसको भी जानने के बाद और कुछ अन्य प्रदेशों में जहाँ इस बारे काम चला है कैनबिस का वहाँ जाके स्टडी करने के बाद ये कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि हिमाचल के लिए कैनबिस और इंडस्ट्रियल हेम्प का जो यहाँ पर प्रयोग करके हम अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ कर सकते हैं। और आज जो बैठक हुई उसमें ये फैसला लिया कमेटी ने कि सरकार को जो है हम रिकमेंड करेंगे कि ये जो कैनबिस है, ये जो इंडस्ट्रियल हेम्प है, इसको इंडस्ट्रियल उसके लिए और मेडिसिनल यूज के लिए प्रदेश में इसका जो है कार्य शुरू किया जाए। आज पोंग को लेकर भी एक इंटरनल मीटिंग मेरी हुई यहाँ पर, उसमें अभी तक जो है 16,000 के करीब हमारे जो है पोंग स्थापित थे या जो एलिजिबल थे जिनको राजस्थान में भूमि प्रदान करनी थी, उसमें से अभी तक 8,000 के करीब लोगों को भूमि मिल चुकी है। बाकी 1,000 के करीब ऐसे लोग हैं जो इसमें अभी तक बार बार जो है उनको अखबार के माध्यम से हमने बुलाया है कि वो भी अपना क्लेम फाइल करे, तो 1,000 के करीब लोग अभी आ नहीं रहे। बाकी जो बचे हुए हैं उसके लिए एक हाई लेवल कमेटी माननीय जो है सुप्रीम कोर्ट ने गठित की है, उस कमेटी में ये मामला उठा है। पर लंबे अरसे से राजस्थान सरकार के साथ इसकी बैठकें नहीं हुई है, अब हम जल्दी से, अब तो क्योंकि राजस्थान में भी चुनाव आने वाला है, चुनाव के बाद जो भी वहाँ की सरकार होगी उससे फिर इस मामले को जो है और तेजी से उठाएंगे। पहली बात तो हमें ये समझ नहीं आता कि नेशन वन ही है, ये क्यों बार बार ये कहते हैं कि वन नेशन, इसका मतलब कि जो बीजेपी की जो विचारधारा है आज के तारीख में ये देश एक नहीं है। तो इस किस्म के मुद्दे लाकर जो आम मुद्दे हैं, लोगों के रोजगार से जुड़ा हुआ है, महंगाई से जुड़ा हुआ है, विकास से जुड़ा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ है, उसको डाइवर्ट करने का एक ना एक जो है शगुफा भारतीय जनता पार्टी वाले चलाते रहते हैं। और ठीक अब देख रहे हैं कि इलेक्शन नजदीक है तो इन्होंने एक और जो है यहाँ पर जुमला चला दिया। कांग्रेस इस बात को एंडोर्स करती है, मानती है या इसको लेके? कांग्रेस ने शुरू से ही इस देश को एक बनाया है, 600 से ज्यादा छोटे बड़े जो राज्य थे जो ब्रिटिश साम्राज्य से बाहर थे, जब अंग्रेज इस देश को छोड़कर गए उस समय 600 राज्यों को, राजे महाराजे थे उनको एक यहाँ पर अधिकार देके गए, वो चाहे तो हिंदुस्तान में रहे, चाहे पाकिस्तान में जाए, चाहे वो इंडिपेंडेंट रहे, तो उन 600 जो राज्य थे उसको एक करके
उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने जो है एक बहुत बड़ा काम किया जिससे इस देश को एक बनाया, तो उस बात को ये भूलकर जो है अलग बात करने चले हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।